इस वीडियो को शुरू करने से पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकॉन पर घंटी मारिए ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम आता रहे। मेरे चैनल का नाम है ऑनलाइन वास्तु एस्ट्रोलॉजी। मैं अनिल कुमार सेठ, एस्ट्रोलॉजी, वास्तु और न्यूमरोलॉजी एक्सपर्ट। नमस्कार मित्रों, मैं अनिल कुमार सेठ, एस्ट्रोलॉजी, वास्तु और न्यूमरोलॉजी एक्सपर्ट। आज हम धनु राशि वालों का वीडियो लेके आए हैं जिनका कि शनि 11 मई 2020 को वक्री होने जा रहा है और 28 नौ 2020 तक ये शनि का प्रभाव वक्र रहेगा। और मकर राशि का सबसे पहले हमने कैलकुलेशन किया था, आज हम धनु राशि वालों का वीडियो लेके आए हैं। और शनि जो है वो 11 मई 2020 को उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में चौथे चरण में 7.4 डिग्री का वक्री होने जा रहा है। और धनु राशि वालों पे शनि का क्या इम्पैक्ट आने वाला है ये आज आपको यूट्यूब के माध्यम से बताने जा रहे हैं। तो धनु राशि पर शनि की 7.5 चल रही है और शनि का प्रभाव जो है उनका अंतिम ढैया के रूप में चल रहा है, यानी कि इनके जो है शनि का जो लास्ट चरण है इनके सेकंड हाउस में चल रहा है राशि से। तो शनि का प्रभाव जो है सेकंड हाउस में स्वयं की राशि में चल रहा है। और थोड़ा सा शनि के बारे में आज हम आपको बताते हैं कि शनि होता क्या प्लेनेट और इसके क्या क्या इफ़ेक्ट्स होते हैं, क्या क्या इसके प्रभाव अच्छे होते हैं, क्या क्या इसके बुरे प्रभाव होते हैं और कब कब होते हैं, क्योंकि ज्योतिष के साथ आपको ये चीज़ों का समझना भी ज़रूरी होता है कि प्लैनेट की तस्वीर क्या है, प्लैनेट का क्या चाहता क्या है, प्लैनेट को हम किस तरह से अपनी बॉडी के में चेंज ला सकते हैं प्लैनेट की जो तस्वीर को समझ के। ये सब चीज़ें हमें सिम्टम्स मिल जाते हैं प्लैनेट का जब किसी नक्षत्र में प्रवेश करता है। ये चीज़ें भी आपको बहुत गहराई से समझनी पड़ेंगी। जैसे उत्तराषाढ़ा नक्षत्र सूर्य का है और आपके जो 9th हाउस का कारक ग्रह भी सूर्य है, भाग्य का कारक ग्रह भी सूर्य है और शनि उसी नक्षत्र में चल रहा है और शनि की राशि मकर होने की वजह से ये सेकंड हाउस में काफ़ी पावरफुल होकर चल रहा है। सबसे पहले तो आपको ये बता दें कि शनि जो है अपने स्वयं राशि में चल रहा है। और दूसरी बात यह कि शनि एक सुस्त ग्रह है, मतलब कि मंद ग्रह है, इसकी स्पीड बहुत मंद होती है। हालांकि यूनिवर्स में एक बहुत बड़ा ग्रह माना जाता है और ताकत बहुत है इसके पास, क्योंकि जो एक ग्रह 30 महीने रहता है वो उसके पास कितने डिपार्टमेंट भगवान ने दिए होंगे कि 30 महीने में उसको एक एक डिपार्टमेंट को संभालना और उसको उसके ऊपर डिफाइन करना, उसके ऊपर रिजल्ट देना, तभी इसकी स्पीड भी स्लो मानी जाती है। और शनि जो है अगर देखा जाए ये दोनों तरह से इसका इफेक्ट आता है, पॉजिटिव भी आता है, नेगेटिव भी आता है, क्योंकि एक कार्मिक ग्रह माना जाता है, कर्म के हिसाब से हमें डिफाइन करता है। और शनि जो है वो दूसरे सातवें तीसरे दसवें और ग्यारहवें घर में अगर लग्न कुंडली में बैठा हो तो वो काफ़ी अच्छा फल देता है। और लग्न कुंडली से देखा जाता है किस भाव में बैठा हुआ है, सबसे पहले बड़ी बात यह है। और चौथा आठवां बारहवें भाव में शनि का प्रभाव थोड़ा ढैया के रूप में कई बड़ी परेशानियां दे देता है और लग्न कुंडली से ये सब चीज़ें डिफाइन होती हैं हमारे जो एस्ट्रोलॉजी में, वैदिक एस्ट्रोलॉजी में हमें पता लगती हैं। और शनि किन चीज़ों पे कंट्रोल करता है, शनि हमारी मृत्यु, हमारी आयु, शनि हमारी वेल्थ पे कंट्रोल करता है। घर जो हम बनाते हैं, मकान बनाते हैं, उस पर शनि का पूरा इन्फ्लुएंस आता है। हमारे बच्चों के ऊपर काफ़ी इसका इन्फ्लुएंस आता है। लीगल्स जितनी भी चीज़ें होती हैं, कानूनी चीज़ें होती हैं, उसके ऊपर शनि का पूरा इन्फ्लुएंस रहता है। शनि जो है वो इलनेस का भी कारक होता है, जो बीमारियां आती हैं, फाइनेंशियल जो हमारी स्थितियां होती हैं, बैंक बैलेंस जो हम इन्वेस्टमेंट करते हैं, शनि के पास वो भी डिपार्टमेंट रहता है। तभी आपने देखा होगा कि शनि की 7.5 में आपको इन चीज़ों का इफ़ेक्ट ज़्यादा मिलता है। और शनि जो है अगर आपकी लगन चार्ट में अगर ख़राब बैठा हुआ है तो इसका इफ़ेक्ट भी जो आपका शनि की 7.5 हो या महादशा हो या पत्यंतर चल रहा हो, अंतर चल रहा हो, तो शनि का प्रभाव भी उसी तरह से मिलता है जैसे आपकी लगन चार्ट में शनि का प्लेसमेंट बैठा होता है। क्योंकि लगन चार्ट हमारी बर्थ से बनता है, हमारा बर्थ जो होता है वो हमारे पिछले कर्म के अकॉर्डिंगली ही हमें ये सब चीज़ें डिफाइन होती हैं। और शनि एक जज की तरह काम करता है, यानी कि हमें
जो न्यायाधीश की तरह हमें ये न्याय करता है हमारे जीवन में, कि हम जो कार्मिक चीज़ें करते हैं उसको रिजल्ट में कन्वर्ट करता है। और काफ़ी हार्ड वर्किंग ग्रह माना जाता है, जो लोग बहुत हार्ड वर्किंग करते हैं और मेहनत करके अपनी पैसे कमाते हैं, उसके लिए शनि उनको कभी भी दुष्प्रभाव नहीं देता है। और शनि ईमानदारी का भी एक कारक ग्रह माना जाता है, और इसका बुद्धि के साथ भी, यानी कि डिसीजन, बुद्धि के साथ जो डिसीजन पावर है वो भी शनि के द्वारा ही मानी जाती है। शनि की साढ़ेसती में हमारे डिसीजन जो होते हैं वो वीक होने की वजह से हमें वो पीड़ा हो जाती है। शनि एक अच्छा ग्रह भी है, अगर लग्न कुंडली में अगर अच्छा बैठा हो तो ये स्कॉलरशिप भी देता है, एजुकेशन में, बहुत हायर एजुकेशन में ले जाता है, और एक ऐसे ऐसे मंत्रालय दे देता है आपको, एम्बेसी में जॉब दे देता है, मतलब कि विदेश की यात्रा कराता है। शनि एक अच्छा ग्रह भी माना जाता है, और इंडस्ट्रीज में आपके बहुत बड़े बड़े नाम कर देता है, मल्टीपल आप मिलियन डॉलर के स्वामी हो जाते हैं शनि अगर अच्छा हो। और आपकी लैंग्वेज जो आप बोलते हैं उस पर भी कमांड करता है, आपको मल्टी लैंग्वेज भी कई बार सिखा देता है। और आपकी वाणी पे शनि अगर बैठ जाए अच्छी तरह से, तो आपकी वाणी के द्वारा आपको धन की प्राप्ति भी करता है। और शनि का जो है, कई बारी अगर खराब अवस्था में चल रहा हो तो सोने को भी ये राख बना देता है, ऐसा ज्योतिष में हम मानते हैं, और राख को भी कई बारी सोना बना देता है। अब शनि अगर फेवरेबल है तो आपको किन चीज़ों में फ़ायदा करता है, जैसे मशीनरी में, ट्रेड जो व्यापार करते हैं आप, फाइनेंस का काम भी कर सकते हैं, लेदर का, सीमेंट इंडस्ट्रीज होगी, वुड इंडस्ट्रीज होगी, आयरन, ऑयल, ट्रांसपोर्ट, एस्ट्रोलॉजी, रबर, ये सब चीज़ें, कानूनी, जितने भी ये काम हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट का काम भी शनि के साथ ही लिंक करता है। शनि अगर खराब हो तो आपको रुकावटें, संघर्ष आपके जीवन में ले आता है, और पेट से रिलेटेड बीमारियां और क्रोनिक डिजीज, वायरस वगैरह, इन चीज़ों का अटैक होता है। और शनि खराब हो तो कई बारी हमारे धन में भी नुकसान होता है। तो ये सब चीज़ें शनि के डिपार्टमेंट में आती हैं, आप इनसे पता लग सकता है आपको कि शनि की साढ़सती में ये चीज़ों का आपके ऊपर क्या इफेक्ट चल रहा है। और इससे ये भी हमारा एक, समझ लीजिए, एक टेस्ट हो जाता है कि क्या शनि हमारा वाकई लग्न कुंडली में अच्छा है या नहीं है, मेरे कार्मिक ग्रह कैसे हैं। और दूसरी बात यह कि जैसे आजकल कोरोना वायरस का इफेक्ट काफ़ी चल रहा है, तो धनु राशि वालों को अपनी हेल्थ के प्रति बहुत सचेत रहना चाहिए, क्योंकि इनकी शनि की दृष्टि आपकी सीधी 8th हाउस पे पड़ रही है, और आपको अपनी इम्यूनिटी और आइसोलेशंस आपको करके अपने घर में ही रहना चाहिए, परिवार के साथ ही रहना चाहिए, और पूरा प्रिकॉशंस कोरोना वायरस का जो भी हमारी मेडिकल साइंस बताती है, जो हमारे गवर्नमेंट की गाइडलाइंस हैं, उसको प्रॉपरली अगर फॉलो करेंगे तो आइसोलेशन होने से आपको इन चीज़ों से बचाव होता रहेगा, इम्यूनिटी आपकी स्ट्रांग भी होती रहेगी। अब हम आपको बताते हैं कि शनि जो है वो आपका मकर राशि में वक्री होने जा रहा है 11 मई 2020 को। अब शनि का प्लेसमेंट आपका कहाँ बैठा हुआ, शनि और गुरु दोनों ही आपके 11 मई को आपकी मकर राशि में ही रहेंगे, 2nd हाउस में, यानी कि दोनों ग्रह आपकी, गुरु निष्पंग राजयोग आपका राशि का स्वामी होके अपने से 2nd होगा, ये भी एक अच्छा साइन है, अपने से 2nd बैठा हुआ ग्रह। अब शनि की जो वक्र दृष्टि होगी आपकी, तीसरे हाउस पर जो जाएगी, चौथे, मतलब कि चौथे हाउस पे जाएगी तीसरी दृष्टि, जो कि वाहन प्रॉपर्टी का माना जाता है, मातृ सुख का माना जाता है, आपका पीस ऑफ माइंड का और पब्लिक का भी माना जाता है, यहाँ पर शनि की वक्र दृष्टि आपकी पड़ेगी जब वक्री होगा। तो ये राशि किसकी है, गुरु की। अब गुरु के साथ बैठा है, गुरु उसको कंट्रोल कर रहा है शनि को, और शनि गुरु को कंट्रोल कर रहा है, दोनों एक तरह से आध्यात्मिक ग्रह बैठे हैं। तो आपको अपने घर के प्रति जो भी आपके विचार विमर्श हैं वो अपने फैमिली के साथ ट्रांसमिट करने हैं, और उनकी राय के बिना कोई भी कार्य नहीं करना है, ये शनि आपको यहाँ पर इंडिकेट करता है। और मदर की हेल्थ का ध्यान रखना है विशेषकर, क्योंकि मदर के खाने में शनि की पूर्ण दृष्टि पड़ रही है। अब यही शनि की सातवीं दृष्टि अगर देखी जाए, तो सातवीं दृष्टि आपकी वक्री होकर सीधी कर्क राशि पर पड़ेगी। कर्क राशि जो है आपकी सेंटिमेंट की राशि है, क्योंकि सेंटिमेंट की राशि को शनि बहुत जल्दी प्रभावित करता है। और अगर आपने देखा होगा कि आजकल जो ये जो बीमारी का चल रहा है चलन, ये सेंटिमेंट के साथ कितना इसका मेंटली इफेक्ट पूरे वर्ल्ड में आ रहा है, तो इसलिए ये सेंटिमेंट को इफेक्ट करता है। पानी की राशि है कर्क राशि, उसको बहुत जल्दी इफेक्ट करता है, क्योंकि चंद्रमा जो है वो बहुत स्पीड से चलता है, उसके सेंटिमेंट को हर्ट करता है। तो आपको अपनी हेल्थ का ध्यान रखना, यानी ये इंडिकेट कर रहा है आपको अपनी हेल्थ का विशेष ध्यान रखना है यहाँ पर,
हेल्थ के प्रति कोई भी लापरवाही नहीं करनी है, और मदर की हेल्थ के लिए भी आपको कोई एक्सपेंस यहाँ पर अनएक्सपेक्टेड आ सकते हैं। अब यही शनि की वक्र दृष्टि आपकी तुला राशि पर उच्च की पड़ेगी यहाँ पर, जो कि गेन की राशि है, आपकी लाभ भाव की राशि है, और शनि बैठा कहाँ है, सेकंड हाउस में। तो यहाँ पर 11 मई के बाद जो स्थितियाँ आपकी बनेंगी सितंबर तक, वो आपकी गेन की बनेंगी, पैसा आपके पास आएगा, धन जो आपका बढ़ेगा, बैंक बैलेंस बढ़ेगा, और आपके जीवन में एक नया परिवर्तन लेके आएगा, क्योंकि शनि की शुक्र के साथ घनिष्ठ मित्रता मानी जाती है। तो शनि का प्रभाव जो है वो आपका इस तरह से ये डिफाइन करता है। अब बाकी ग्रह भी शनि के साथ सामने आमने सामने कई बार ही आएंगे, और गुरु भी साथ में रहेगा, तो गुरु का ट्रांजिट 3 महीने का रहेगा, फिर वो वक्री होकर धनु राशि में चल जाएगा, जिसकी ऑलरेडी हम आपको वीडियो पहले दे चुके हैं। और इसके रेमेडीज इस तरह से हैं, शनि की जैसे वक्री होएगा, शनि के लिए आप क्या करना, धनु राशि वालों के लिए स्पेशल है, आप शनिवार को जैसे काले तिल और काले मांव जो होते हैं, और सरसों का तेल, और कुछ लोहे की आइटम भी आप ले सकते हैं, वो अगर शनि मंदिर जाके पीपल के पेड़ पर रख के आते हैं और शनि शिला पे तेल का अभिषेक करते हैं, तो आपको निश्चित तौर पे ये शनि काफ़ी अच्छा फल देगा, और वहाँ पर आप जाके अपनी माफीनामा भी मांग सकते हैं। तो शनि एक मतलब कि जल्दी मान जाता है, शनि का इसके पास एक प्लस पॉइंट है कि राहु की तरह ये जिद्दी ग्रह नहीं है, शनि की प्रे करने से शनि मान जाता है, क्योंकि आध्यात्मिक के साथ इसका लिंक माना जाता है, इसीलिए शनि की प्रतिमा हमेशा मंदिरों में ही मिलेंगी, आप समझिए। तो शनि की प्रे करने से, भगवान शिव की आराधना साथ करने से आपको जल्दी जीवन में सुख शांति मिलती है, और पिछले किए हुए कर्मों का भी जल्दी आपको माफीनामा मिल जाता है, और साथ में आप जैसे गरीबों की सेवा कर सकते हैं। दूसरा ये है कि आप शनिवार को अपने से नारियल 7 बार बार के नदी में परिवर्तित कर सकते हैं, और टेंपल में भी बिना अपने से बारे आप टेंपल में भी शनि शिला पे भी रख सकते हैं, और शनिवार को आप वाइन तथा नॉन वेज का परहेज रखिए, धनु राशि वालों के लिए स्पेशल हदायत है, क्योंकि वो सेकंड हाउस में है, नहीं तो वो धन की प्रॉब्लम आपकी लाइफ में खड़ी कर सकता है। तो ये आज हमने धनु राशि वालों का शनि का जो वक्री पीरियड आने वाला है वो हम पहले से डिफाइन कर रहे हैं। तो हम भगवान से ये भी आशा करते हैं कि जो ये जो यूनिवर्सल प्रॉब्लम आई है कोरोना वायरस की, वो जल्दी आपकी लाइफ से निकल जाए और आप रूटीन कार्य में आ जाएं। और उसके लिए हमने ऑलरेडी वीडियो भी डाल चुके हैं कि नक्षत्र के हिसाब से जो ये वायरस आया है, राहु की देन है, वो कैसे दूर होगा, वो वीडियो जरूर आप देखिए, ताकि आपको आने वाले टाइम पे एक इंडिकेशंस डायरेक्शन मिलेगी, जिसके साथ ही हम आपसे आज्ञा लेते हैं। नमस्कार।